बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान से मैं अमन और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद अमन अफजल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। और आपको पता है कि इंडिया वर्सेज बांग्लादेश, आपको पता है कब सीरीज होने जा रही है, क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का घर में घंटा बजा के आ रहा है। अब इंडिया वर्सेज बांग्लादेश पहले टेस्ट मैच की जो इंडिया का स्क्वाड है सर, वो आ गया है और उसके ऊपर आप बात करेंगे कि उसकी क्या प्लेइंग 11 बनती है। मतलब आप स्क्वाड तो आपने देख लिया है, लेकिन अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं तो हम इसमें उस स्क्वाड की प्लेइंग 11 भी बनाएंगे। तो ये बड़ी जबरदस्त बात करने जा रहे हैं हम, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, मेरे घंटे का किंग है ना, जो बोब्जी घंटे का किंग जिम्बू, आपको पता है वो जिम्बू है। और इससे पहले भी आप ये हरकतें उसकी तरफ से 4 से 5 दफा देख चुके हो कि वो अपने फैंस के साथ बदतमीजी करता है। विराट कोहली अपने फैंस को इज्जत देता है, घंटे का किंग अपने फैंस के साथ बदतमीजी करता है। अब फिर घंटे का जो किंग है, जो जिम्बू है, अब पाकिस्तान में एक नेशनल चैंपियंस कप होने जा रहा है फैसलाबाद में, घंटे का किंग उधर जा वो प्रैक्टिस करते हुए फैंस ने सेल्फी लेने की कोशिश की तो घंटे के किंग ने उसके साथ बदतमीजी की। वो भी इस वीडियो में आपके साथ बात बताऊंगा कि पूरा मुद्दा क्या, जो मेरा घंटे का किंग है ना, इसको भी मैंने बजाना जरा। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, जो इंडिया का स्क्वाड आया पहले टेस्ट मैच के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली इसी स्क्वाड के बारे में ही बात की जा रही थी। कुछ लोग कह रहे थे शायद यार रेहाने वापिस आ जाए या पुजारा वापिस आ जाए, इस स्क्वाड में रेहाने और पुजारा वापस आएंगे तो शायद ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज में भी वो चले जाएं, क्योंकि उधर एक्सपीरियंस काम आएगा। लेकिन बीसीसीआई ने बड़ा जबरदस्त फैसला किया, वो उसी टीम के साथ गए हैं जो टीम इंग्लैंड के साथ खेली थी, और उन्होंने उसी टीम के साथ जो जाने का फैसला किया। अगर मैं आपको स्क्वाड सबसे पहले बता दूं, उसके बाद फिर हम इसकी तकरीबन एक प्लेइंग 11 भी बना देंगे। और अगर मैं स्क्वाड की बात करूं तो उसमें रोहित शर्मा कप्तान, रोहित मैन शर्मा, यशस्वी जायसवाल, मतलब एक्सपीरियंस उस बंदे के पास आ चुका हुआ है, उसको पता है, उसको पता है कि मैंने टेस्ट क्रिकेट किस तरह खेले सर। 2 डबल अंडर ना उसके, इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता। या जो मेरे घंटे का जेम्बू है ना, जेम्बू 10 साल से खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट, एक भी इसका डबल अंडर नहीं है, तो आप इधर से अंदाजा लगा लो। तीसरे पे आ जाते जी शुभमन गिल, विराट, किंग कोहली, पापा सबके, और केएल राहुल। ये थोड़ा सा केएल राहुल मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा, केएल राहुल का नाम मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा, लेकिन आ गया, अच्छी बात है। सरफराज खान एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि सरफराज खान आएगा, क्योंकि आपको पता है कि वो जो इंग्लैंड वाली सीरीज थी उसमें रजत पाटीदार भी था, उसके बाद देवटर पडिगल भी था, आपको याद होगा। अब वो दो नाम आपको इधर नहीं नजर आएंगे, मतलब रजत पाटीदार ने भी 50-50 की थी और देवकर पाटिकल ने डेब्यू में 50 मारा था, मतलब वो दोनों नाम इधर से मिस आउट हो गए, वो दोनों इसमें नहीं है। ये आपको मैंने जो है वो 6 बैट्समैन बताए। विकेट कीपर्स की अगर मैं बात करूं तो ऋषभ पंत और द्रेव जुरेल जो है वो इधर आए हैं, क्योंकि इधर जुरेल ने भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी इंग्लैंड वाली सीरीज में। और के आर राहुल एज अ विकेट कीपर तो नहीं खेलेंगे, ये सबको पता चल गया। के आर राहुल को रिप्लेसमेंट के तौर पर रखा गया, शुभमन गिल सॉरी जायसवाल और रोहित शर्मा ही ओपन करेंगे, तीसरे पे शुभमन गिल आएंगे, चौथे पे विराट कोहली आएंगे। ये 4 तो आपको बता दिया मैंने। ऑलराउंडर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें सर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्रा जडेजा, अक्षर पटेल, ये तीनों तकरीबन तीनों ही शायद खेल जाएं। और अगर मैं फास्ट बॉलर्स की बात करूं या जो बॉलर हैं ये ऑलराउंडर्स से 3, उसमें कुलदीप यादव आ जाते हैं, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, अच्छी बॉलिंग की थी इसने इंग्लैंड वाली सीरीज में, जसप्रीत बुमराह और यश दयाल। ये थोड़ा यश दयाल भी एक बड़ी सरप्राइजिंग एंट्री हुई है इधर यश दयाल की भी। और ये जो है वो इंडिया का स्क्वाड है जो पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ 19 सितंबर से शुरू होगा उसके लिए इंडिया का ये पहला स्क्वाड है जो है वो अनाउंस किया गया। और देखो जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है ना, अब मैं पाकिस्तान का स्क्वाड देखूंगा ना तो उधर मैरिट की माँ बहने की होती है, फेवरेटिज्म को प्रमोट किया होता है, लाइक डिसलाइक वाला कल्चर चल रहा होता है, घंटा बजा होता है स्क्वाड का, बाबजी घंटे का किंग 15 मैच से कुछ नहीं कर रहा लेकिन उसको रखा गया हुआ है, मतलब सत्यानाश बेड़ा गरक चाचे मामा सिफारिश वाला स्क्वाड बना। लेकिन जब मैंने इंडिया का स्क्वाड देखा, आप मुझे कोई भी ऐसा नाम बताओ जो तुक्के पे आया है। अगर बड़े लोग मुझे बोलेंगे के आर राहुल की जगह नहीं थी बनती, सर के आर राहुल की जगह बनती थी। के आर राहुल अगर
विकेट कीपर की प्लेसमेंट पे आता तो फिर कहते हैं कि यार ये गलत हुआ है, वो विकेट कीपर नहीं है, वो बैट्समैन में आया है। इसका मतलब है कि वो पहले चार वाले प्लेयर है, पहले चार में खेलेगा, पहला चार भी छोड़ दो, पहले तीन में कर लो या आप ओपन कर लो। समझ आ गई है बात की? खेलेगा तो वो नहीं, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूं, अगर मैं आपको बताऊं इसमें हम प्लेइंग 11 बनाए तो प्लेइंग 11 अगर आपको मैं बना के दिखाऊं, आई थिंक पहला टेस्ट मैच किधर है, चेन्नई में है पहला टेस्ट मैच, स्पिन विकेट ही बनेगी जिधर भी हुआ। अगर मैं आपको बता दूं जो है वो प्लेइंग 11 के हिसाब से, तो प्लेइंग 11 भाई आप देख लो, रोहित शर्मा, जयसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, ये आपके चार नाम पूरे हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं पांचवें और छठे पे। पांचवें नंबर पे मुझे ऐसा लगता है कि सरफराज खान, छठे पे जो मुझे लगता है ऋषभ पंत, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। इसमें मैं अगर बना के दिखाऊं तो मुझे ये लग रहा है, क्योंकि सरफराज ने जबरदस्त बैटिंग की हुई है और सरफराज को विकेट कीपर नहीं बैट्समैन बना के भेजा गया, तो इसका मतलब है कि वो खेलेगा। अगर वो विकेट कीपर होता तो फिर वो ऑप्शंस में चला जाता, ठीक है। तो ये हो गए छह। सातवें पे आप कर लो जो है वो जडेजा, आठवें पे आप कर लो कुलदीप, अश्विन, तीन हो गए, और दो फास्ट बॉलर आपके आ गए जिसमें बुमराह और सिराज भी आ सकते हैं, जिसमें बुमराह और आकाशदीप भी आ सकते हैं, तो फास्ट बॉलर्स में तो आप जो दिल्ला खिला सकते हो। तो ये जो एक टेम्परेरी बनती प्लेइंग 11 थी वो मैंने आपको बता दिया, इसमें चेंज ये भी हो सकता है, मतलब आप के आर राहुल को पांचवें पे खिलाओगे, मुझे लगता नहीं है के आर राहुल को आप पांचवें पे खिलाओगे, आप सरफराज को ये दोनों टेस्ट मैच दोगे क्योंकि वो पहले अच्छा कर चुका है, तो आप उसको किसी भी रीजन पे बाहर नहीं कर सकते। हाँ, ऋषभ पंत अगर ना होता तो फिर जो है वो देव जुरेल खेलता, क्योंकि उसने अच्छी बॉलिंग अच्छी बैटिंग की हुई है, विकेट कीपर भी वो अच्छा है, उसने अच्छी विकेट कीपिंग की थी। तो भाई ये वाले काम भी आपको मैं बताऊं तो इसमें भी कोई खतरा नहीं है, मतलब एक बनती बनाई प्लेइंग 11 बनी हुई है जिसमें विराट कोहली, ऑब्वियसली विराट कोहली खेलेंगे, अगर विराट कोहली नहीं होते तो फिर आपको मैं कहता कि यार शायद के राहुल भी खेल ले, क्योंकि जब आपको पता होगा जब विराट कोहली नहीं थे इंग्लैंड वाली सीरीज में तो फिर रजत पाटीदार को भी मौका मिला, फिर जो है वो देवदत्त पडिगल को भी मौका मिला, तो उस नंबर पे वो खेल रहे थे, अब विराट कोहली आ गए तो ऑब्वियसली बात है विराट कोहली आएंगे। हाँ, आपको एक नाम इधर नजर नहीं आ रहा होगा, सरायाश अय्यर, अय्यर का आपको इधर नाम नहीं नजर आ रहा होगा, अय्यर किसकी जगह पे खेलेगा, अय्यर किसकी जगह पे खेलेगा, आप बस मुझे ये बता दो अय्यर किसकी जगह पे खेलेगा, मतलब अय्यर को आप कब खिलाओगे, अय्यर नहीं खेल पाएगा ना आपके। देखो सरफराज परफॉर्मर लड़का है, विराट कोहली पापा है सबके, वो जगह किसी की नहीं ले सकता, विराट की जगह कोई नहीं ले सकता, उसके बाद गिल हो गया, जयसवाल हो गया, रोहित शर्मा हो गया, तो भाई ये तो आपके परफॉर्मर लड़के हैं, अय्यर ने परफॉर्म नहीं किया हुआ तो भाई वो बाहर हो गया। के आर राहुल के पास भी चांस है, अगर वो उसको मौका मिलता तो भाई करके दिखा दो, वरना भाई आपको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो एक अच्छी प्लेइंग 11 है, कैसी एक ऐसी टीम बनी है जिसमें आप जीत सकते हो, आपके मतलब इंडिया के पास जो स्पिनर है ना, एक स्पिनर हमें भी दे दो भाई, अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वर्ल्ड क्लास स्पिनर, और चारों को बैटिंग आती है यकीन कर लें, मतलब पटेल, जडेजा और अश्विन तो बैटिंग के मैं कहता हूँ बाप है, कुलदीप यादव भी भाई बैटिंग कर लेता, टेस्ट क्रिकेट में रोकना उसे भी आता है। तो इंडिया के पास ये वो जो कॉम्बिनेशन है ना भाई, ये बड़ा पटाखे का कॉम्बिनेशन है, मतलब बनाओगे तो चस आ जाएगी, बांग्लादेश का घंटा बजेगा ना तरीके से। अब आ जाते हैं बोब्जी दी किंग के ऊपर, ये बात है कल की, कल बाबर आजम फैसलाबाद में जो चैंपियंस कप होने वाला है, उधर घंटे का किंग नट में प्रैक्टिस कर रहा था। पहली तो बात है ये घंटे का किंग उधर भी एक स्पिनर की बॉल पे, क्लब लेवल का स्पिनर था, उसकी बॉल पे ये स्टेप अप करके खेलने गया, और इसका किल्ला किल्ला वो जो सेंटर वाला होता है ना किल्ला, ये वाला ये उड़ा है, क्लब बॉलर ने बाबर को फिर बोल्ड किया। तो मैं इस घंटे का आपको ये बता दूं, दूसरी बात करते हैं, बाबर आजम का एक फैन आया, उसने बाबर आजम के साथ तस्वीर लेने के लिए बोला है, ठीक है। अब वो जब बाबर के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है, उसने बाबर को पीछे से ना ऐसे पकड़ के ना थोड़ा क्लोज होने की कोशिश किया, चलो यार बाबर को पकड़ के क्लोज होने की मैं तस्वीर लेता हूं, जिस तरह विराट कोहली के साथ लेते हैं, मैंने बहुत बार देखा विराट के साथ जो फैन है वो पीछे से ऐसे करके तो तस्वीर ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, विराट कोहली को बुरा भी नहीं लगता, रोहित शर्मा को बुरा भी नहीं लगता। ये घंटे का किंग को
ये कालिए को जब किसी ने उसने तस्वीर फैन ने लेने की कोशिश किया इस तरह, तो इसने उसका हाथ पकड़ के ना पीछे नहीं किया, इसने उसका हाथ पकड़ के ऐसे किया, मतलब बदतमीजाना अंदाज से। मतलब इसके कहने का मतलब है कि तू कौन है, तेरी क्या औकात है, तू मुझे हाथ लगा रहा है, तेरी मैं तेरी तू कौन है, तू क्या कर रहा है पाकिस्तान टीम में, घंटे का किंग तू क्या कर रहा है। ये अपने फैंस को, ये जो बाबर सन्स हैं, ये घंटे के, इसी के लिए आप टिकटॉक पे वो रील्स चला रहे होते हो ना, ये देख लो आपकी वो इज्जत भी नहीं करता, आपकी वो इज्जत भी नहीं करता, आपके साथ वो हाथ मिलाकर सेल्फी भी नहीं लेना चाहता, वो कहता है मेरे से दूर रहो। याद है ना पांचवी पीएसएल में इसने अपने फैंस को गालियां दी, इंग्लैंड में इसने अपने फैंस को गालियां दी, लड़ा इसके उनके साथ, जिम्बाब्वे में ये अपने फैंस के साथ लड़ा, वर्ल्ड कप T20 में ये घंटे का किंग अपने फैंस के साथ लड़ा और बोतल मारी उनको, आज फिर ये अपने फैंस के साथ लड़ा। कभी विराट कोहली को अपने फैंस के साथ लड़ते थे, उन्होंने तस्वीर की बात की और ये वो लड़ा हो, भाई वो पापा है क्रिकेट का, हमें नहीं उसको हम पापा बोलते, ये घंटे का किंग है क्रिकेट का, कौन करेगा किंग कर लेगा, घंटे का किंग मेरे, घंटे का किंग मेरे, घंटे का किंग। बहती हवा सा था वो, घंटा हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, हमको तो राहें थी चलाती, इसका जिम्बाब्वे की टीम चलाती, घंटे का किंग था वो। तस्वीर लेने के लिए भाई बोब्सी साहब गुस्सा कर रहे हैं, तेरी माँ घंटे, तेरी औकात क्या है, तुझे इन्हीं फैंस ने ऊपर भी लाया है और तुझे वो नीचे भी गिरा देंगे, मैं तो इसका फैंस कभी था ही नहीं भाई, मुझे तो मसला ही नहीं है, जो इसके फैंस ने सोनू पीली चप्पल टाइप के बटा उसने चपेड़ मारी आपकी शक्ल के ऊपर, आप चपेड़ बैठ गए ना, अब इसको मलो बैठ के इधर, ठीक है। बाकी बड़े लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, हम अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।